सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना के बायस हुकूमत ने तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स को 15 जून तक बंद रखने का फैसला कर लिया है। समाजी, मजहबी इज्तिमात और खेलों की सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक और सोमवार तक जुमा खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, ज़रई वर्कशॉप्स 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलेगी। करियाना स्टोर्स सुबह 9 से शाम 7 बजे तक और हफ्ता भर खुले रहेंगे। तमाम चर्च सिर्फ इतवार को सुबह 7 से शाम 7 बजे तक इबादत के लिए खुले रहेंगे। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा हॉल्स को 15 जून तक बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि समाजी और मजहबी इज्तिमात की इजाज़त भी नहीं होगी। सिंध हुकूमत ने आज से सूबे भर में अंदरून शहर बस सर्विस और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बहाल करने की मशरूत इजाजत दे दी है। एसओपीस के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया है। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। कराची समेत सिंध भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दौड़ेगी, सूबाई हुकूमत ने अहम ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद उवैस कादिर शाह से ट्रांसपोर्ट तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुजाकरात के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस खोलने के लिए मशरूत बुनियादों पर इत्तेफाक किया गया। आज मीटिंग के बाद हम इंशाल्लाह कल सुबह से कराची में ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट, जो कराची शहर की ट्रांसपोर्ट है, उसका ऐलान करते हैं कि वो कल से इंशाल्लाह कराची में स्टार्ट हो जाएगी बशमूल ऑनलाइन सर्विसेज के। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल को खतरनाक करार दिया। जो लोग कहते हैं कि ये नौजवानों के लिए खतरनाक नहीं है, ये फ्लू है, 3-4 दिन में निकल जाएगा, मैं उनको बताना चाहूँगा, शहरियों को बताना चाहूँगा कि सिंध में 10 साल से कम उम्र बच्चों की अमवात भी हुई है। वज़ीर इत्तला'आत नासिर हुसैन शाह ने चीनी बहरान पर विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा, हमारी तवज्जो कोरोना वायरस पर थी जबकि इनकी तवज्जो करप्शन कोरोना पर थी। इंक्वायरी हो रही थी 18, 19 और 20 की, तो ये ले गए पीछे और डाइवर्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम उसमें शामिल कर दिया गया कि जी वो आकर इस पे अपना बयान दें। नासिर हुसैन शाह का मजीद कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी की कभी मुखालफत नहीं की, बल्कि उनकी वतन वापसी पर एसओपीस पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त की है। सिंध के वजीर बराए कच्ची आबादी गुलाम मुर्तजा बलोच की नमाज जनाजा गडाब टाउन फकीर मोहम्मद गोट में अदा कर दी गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में सूबाई वजीर कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। 22 मई को उनको तबीयत उनकी ख़राब हुई, जिस पर उन्हें आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोरोना टेस्ट हुआ जो पॉजिटिव आया और उसके बाद वो आगा खान में वेंटिलेटर पर मुंतकिल थे और अब से कुछ देर कबल उनका इंतकाल हुआ और मैयत को गिडाब टाउन फ़कीर मोहम्मद गोट में उनकी नमाजी जनाजा कोरोना एसओपीज के तहत नमाजी जनाजा अदा की गई है और सिंध के जो वज़रा हैं उन्होंने भी शिरकत की है। तमाम नमाजी जनाजा के बाद सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच की तदफीन इलाकाई कब्रिस्तान जो है वहाँ पर की गई है और तमाम तर जो SOPs हैं कोरोना की उनको मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम तर इकदाम के बाद उनकी तदफीन अमल में लाई गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डॉक्टर्स को हेल्थ रिस्क अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ये अलाउंस एक बेसिक रनिंग पे के बराबर होगा। इस अलाउंस का इतलाक मार्च 2020 से होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डॉक्टर्स को हेल्थ रिस्क अलाउंस देने की मंजूरी दे दी है। इस बारे में वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हेल्थ रिस्क अलाउंस एक बेसिक रनिंग पे के बराबर होगा और इसका इतलाक मार्च 2020 से होगा। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स अस्पताल डॉक्टर अंसर महमूद का कहना है कि कोरोना के हवाले से पिम्स अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल हैं। पिम्स अस्पताल को कुछ रोज कबल 12 वेंटिलेटर्स NDMA की जानिब से फराहम किए गए हैं। इस तक पिम्स में 26 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। पिम्स अस्पताल कोरोना के मरीजों को तमाम सहूलियात दे रहा है। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अंसर महमूद कहते हैं कि कोरोना के हवाले से पिम्स अस्पताल में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। कुछ रोज कबल पिम्स को 12 वेंटिलेटर्स NDMA की जानिब से फराहम किए गए हैं। को और NDMA को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 2 दिन पहले हमें 12 वेंटिलेटर्स और इससे रिलेटेड जितनी भी हमारे
मॉनिटर्स थे और दूसरी जो इसकी एक्सेसरीज थी वो अब हमें उन्होंने प्रोवाइड की हैं। पेम्स में आइसोलेशन वार्ड में इस वक्त हमारे पास 26 वेंटिलेटर्स हैं, इतने ही मॉनिटर्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी इसकी बाकी की जो एक्सेसरीज हैं वो यहाँ पे हैं। स्टेशन कमांडर नेवी लाहौर कमोडोर नेमतुल्ला ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। कमोडोर नेमतुल्ला ने ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप में खसूसी शिरकत की और कोरोना के खिलाफ प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल के इकदाम को भी सराहा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर की जानिब से यूनिवर्सिटी से मुल्हिका अस्पतालों के डॉक्टर्स की कोरोना से मुतालिक ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें 45,000 डॉक्टर्स को तरबियत दी गई। स्टेशन कमांडर नेवी लाहौर कमोडोर नेमतुल्ला ने वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल के इकदाम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे को सराहते हैं। उनका कहना था कि दौरे का मकसद पाकिस्तान नेवी की जानिब से जज्बा खैर सगाली का इजहार और डॉक्टर्स के लिए हिफाजती सामान की फराहमी था। इस मौके पर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में KEMU के मुल्हिका अस्पतालों के डॉक्टर्स सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ये यूनिवर्सिटी का और स्पेशली जो अभी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का जो विज़िट किया हमने, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दी प्रेपरेशंस जो यहाँ पे की गई हैं और जो कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक को फाइट करने के लिए। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि जिस तरह इनका स्टाफ, ये यंग डॉक्टर्स यहाँ पे मसरूफ़ अमल हैं और डिफरेंट कंट्री से, विद इन कंट्रीज़ और अब्रॉड से भी जिस तरह ये कॉल्स रिसीव कर रहे हैं और उनको प्रेस्क्रिप्शन या प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मेडिसिन, दैट इज़ रियली इम्प्रेसिव। और अब बात करेंगे तयारा हादसे की जिसके बाइस मलिर मॉडल कॉलोनी के 21 मकानात मुतासर हुए। मुतासरीन का कहना है कि मलबा मुकम्मल उठाया जा सका और ना ही नुकसान का अजाला किया गया। तयारा हादसे में शहीद दानिश अल्ताफ, अहलिया और दो बच्चों की शिनाख्त के बाद नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 22 मई को कौमी एयरलाइन का तयारा रिहायशी इलाके मलिर मॉडल कॉलोनी पर गिरा जिससे 21 घर मुतासर हुए। जाए हादसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासरीन कमेटी के रुकन आरिफ का कहना था कि हादसे में 11 घर मुकम्मल तबाह और कीमती सामान जल गया। हमारे तकरीबन 21 घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं। तमाम हुकूमती अदारों से दरख्वास्त करते हैं और स्पेशली चेयरमैन CEO PIA जनाब अरशद मलिक साहब से दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर हमारे साथ तआमुल करें ताकि हम अपने घर दोबारा से तमीर कर सके। दूसरी तरफ तैयारा हादसे में शहीद फैमिली की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में PSP सरबरा मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, डॉक्टर फारूक सत्तार और MKM रहनुमाओं समेत अजीज व अकारिब ने शिरकत की। दानिश अल्ताफ अपने अहलिया अमरीन अल्ताफ, बेटी आयशा और बेटे ईजान के हमरा ईद के लिए लाहौर से अबाई घर कराची आ रहे थे। दानिश अल्ताफ 6 माह कबल ही नौकरी के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हुए थे। और अहम खबर के सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA ने अपनी नाअहली का मलबा शहीद पायलट पर डालने की कोशिश शुरू कर दी है। सिविल एविएशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया जिससे हादसा पेश आया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जहाज की मेंटेनेंस चेक करना भी पायलट का काम था, क्या इंस्पेक्शन भी उसी ने करनी थी और क्या जहाज को उड़ाने के लिए क्लियरेंस भी पायलट ने ही देनी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA ने अपनी नाहली का मलबा शहीद पायलट पर डालने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, क्या सामने आ रहा है अब इसमें? देखें, बिल्कुल इसमें अब सिविल एविएशन के एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन इफ्तिखार अहमद ने PIA शोबा सेफ्टी के GM को जो खत लिखा है उसमें उसने ये PIA इंतजामिया को आगाह किया है कि पायलट ने दौरान परवाज खिलाफ वर्जियों की काफ़ी उसने की है और जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको कहा कि वो बुलंदी पर और नीचे है तो वो भी उसकी हदायत को नज़रअंदाज किया गया। हत्यारा कंट्रोल जोन अप्रोच जो पॉइंट पर पहुंचा तो उस वक्त उसकी बुलंदी ज्यादा थी। ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं जिसमें से भी एविएशन जो है वो अपनी जो नाइली का मलबा है वो अब कप्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें अहम बातें ये है कि अगर जब पहली लैंडिंग के दौरान जब पायलट के इंजन टकराए तो जब वो अप्रोच कंट्रोल टावर से रास्ते में था तो अप्रोच कंट्रोल टावर ने ये क्यों नहीं देखा कि उसके इंजन जमीन से टकराएं और वो पायलट को आगाह करता।
जबकि लैंडिंग गियर नहीं खुले और नोज व्हील भी नहीं खुली, तो इस पे भी उनको आगाह करना चाहिए था। जबकि एयरबस की लैंडिंग जो है उसके कैचर के जरिए खुलते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जो हैं वो नहीं मिल पा रहे, इनको तलाश करना है। जबकि एक अहम बात जो सामने आई है, जराए से हमें पता चला है कि इसमें तमाम कन्वर्सेशन जो अप्रोच कंट्रोल टावर से की गई है वो फर्स्ट ऑफिसर जो थे उस्मान उनकी हो रही है, जबकि कप्तान जो सजाद गुल है उनकी बात ही नहीं हुई है, ना उनकी कोई वॉइस सामने आई है। तो ये बड़ी अहम बातें हैं जो देखनी है कि इसमें कहाँ किसकी गलती है, लेकिन इसमें इब्तदाई तौर पर जो सामने नजर आ रहा है इसमें दोनों तरफ गलतियां नजर आ रही हैं कि एक तरफ जब अगर अप्रोच कंट्रोल टावर ने पायलट को कहा कि बुलंदी ज्यादा तो उसे वो मेंटेन करनी चाहिए थी, जो कि ये मेंटेन नहीं कर पाया, बुलंदी और रफ्तार जो है वो मुतय्यन नहीं कर सके, जिसकी वजह से इब्तदाई तौर पर ये बात सामने आ रही है कि शायद इसकी वजह से लैंडिंग गियर नहीं खुले। लेकिन दूसरी जानेब अगर लैंडिंग गियर नहीं खुले, इंजन जमीन जब रनवे से टकराएं तो अप्रोच कंट्रोल टावर को आगाह करना चाहिए था पायलट को फौरी तौर पे कि उसके जो टकरा गया जहाज जमीन से। लेकिन अब ये चीजें ऐसी हैं जिनके सवालात देखने। दूसरी जानेब जो फ्रांस की टीम आई थी तहकीकाती एयरबस की, वो भी जो है ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर जो है वो लेके गए, आप देखें वहाँ पे भी टीमें काम कर रही हैं, उसमें क्या बात सामने आती है। जी ठीक है, समर अब्बास बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA ने अपनी नाअहली का मलबा शहीद पायलट पर डालने की कोशिश शुरू कर दी है। सिविल एविएशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया जिससे ये हादसा पेश आया, लेकिन सवाल ये है कि क्या जहाज़ की मेंटेनेंस चेक करना भी पायलट का काम था, क्या इंस्पेक्शन भी उसी ने करनी थी और क्या जहाज़ को उड़ाने के लिए क्लियरेंस भी पायलट ने ही देनी थी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ताहाल हल तलब हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA ने अपनी नाअहली का मलबा शहीद पायलट पर डालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। सिविल एविएशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया जिसके बायस ये हादसा पेश आया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जहाज़ के मेंटेनेंस चेक करना भी पायलट का काम था, क्या इंस्पेक्शन भी उसी ने करनी थी और क्या जहाज़ को उड़ाने के लिए क्लियरेंस भी पायलट ने ही देनी थी। इसी बारे में बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इन खदशात का इजहार तो पहले ही किया जा रहा था कि शहीद पायलट पर तमाम तर मलबा गिराया जाएगा कि उसकी गलती थी जिसकी वजह से ये जहाज क्रैश हुआ, और कुछ ऐसी ही सूरत हाल अब दिखाई भी दे रही है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपने कुछ कहा कि जो खदशात हैं ये सारा मामला उसी तरफ जा रहा है, वही मेच्योर हो रहे हैं। चूंकि पहले दिन उन्होंने ये कहा जिस हादसा हुआ और सारे मामला साफ है, ये कहा गया कि पायलट ने हीरो का रोल अदा किया, वो आबादी के एक बड़े हिस्से को बचाया। फिर जहाज जब बेकाबू हो गया तो लैंडिंग भी ऐसी हुई कि जहाज का जो सेंटर वाला हिस्सा था वो गली के बीच में आया और जो पर थे वो साइडों पर रहे, ये सब कुछ कहा गया। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब ये मलबा किस पे डालना है, क्योंकि सवाल बड़ी तेजी के साथ होना शुरू हुए। पहले तो ये बात सामने आई कि जहाज के लैंडिंग गियर नहीं खुले, इसकी मेंटेनेंस जो है उसको चेक करना, उसके लिए सर्टिफिकेट जारी करना इनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किस हद तक अदा की। फिर इस हवाले से खौफनाक पहलू ये सामने आया कि जहाज ने एक मरतबा लड़ने की कोशिश की और वो रनवे से टकराया, तो कहा गया कि आप दोबारा टेक ऑफ करके आए और फिर कोशिश करने की। जाहिर है वो जहाज उस वक्त उसके इंजन भी मुतासर हो चुके थे। अब वहां क्रिमिनल नेगलिजेंस का ये मुजाहरा किया गया कि जब जहाज दोबारा आ रहा था तो जहाज जो चंद सेकंड के फासले पर गिर गया, वहां पर एयरपोर्ट पर किसी किस्म का फॉर्म, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस, किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं था कि जिससे ये साबित हो सके कि नीचे एविएशन की तरफ से कोई ना कोई ऐसे तदाबीर की गई थी कि जिनसे किसी खुदा न खासा हादसे की सूरत में फौरी तौर पर कोशिश की जाए कि कम से कम डैमेज हो। तो ये सारे का सारा मामला जिस तरह से आया, इसको जैसे वो गए हैं हमारे चेयरमैन साहब हैं और जो अल्फाज थे उनके, जिस तरह उन्होंने दावा किया कि मैं जाते ही देखूंगा और जो जिम्मेदार होंगे उनको खटारे में लाएंगे, उसी दिन ये बात होना शुरू हो गई थी इस मामले को अब अंडर द कारपेट किया जाएगा, वो करना शुरू कर दिया गया। और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इंतजार ही हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्टेक होल्डर्स को हम ऑन बोर्ड ले लें और उन्हें बताया जाए कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि अब हादसा तो हो गया, जिस तरह के ये हमारे खटारा त्यारे हैं, जिस तरह का हमारा एविएशन का अमला है, जो हमारा PA का अमला है, अब
पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इससे परेशान होंगे, फिर पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि इनकी जो सर्विस है, इनकी जो कारकर्दगी है, उसकी अहलियत हमारा वाले से उसके आगे सौले निशान लगा हुआ है। तो ये फिर तय पाया होगा कहीं ना कहीं कि अब मामले को क्लोज करें। अब क्लोज करने का तरीका ये है कि जो जवाब ना दे सके उस पर डालकर, ये पाकिस्तान में हमेशा होता है, सारे मामले को आप गोल कर दें। तो अब ये अफसोसनाक पहलू है, लेकिन बाहर ये मामला सुलझ जा रहा है। मैं तो समझता हूँ जो इंक्वायरी कमेटी है वही दुरुस्त नहीं थी। जब आपने प्रोफेशनल पार्टी शामिल नहीं की, पार्टिया को आपने बीच में नहीं लिया, तो आप कर क्या रहे हैं? नवी साहब, पता कलामी के लिए माजरा चाहता हूँ। सिंध हुकूमत में सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने खासे तहफ़ुज़ात का खदशात का इजहार किया था। जो इस तैयारे के पायलट थे उनके अहले खाना की जानिब से भी खासे खदशात का इजहार हुआ था, उन्होंने तहफ़ुज़ात का इस इंक्वायरी पर इजहार किया था। और अरशद मलिक साहब के लिए ये कहा गया था कि वो असरअंदाज हो रहे हैं इस तमाम तर इंक्वायरी पे। तो क्या ये आज़ादाना इंक्वायरी हो सकेगी? क्या अरशद मलिक साहब, जिस तरह से सईद गनी साहब ने कहा था कि उनकी मौजूदगी में ये इंक्वायरी आज़ादाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको लगता है कि ये मामला हल हो पाएगा? देखें, जिनके खिलाफ इंक्वायरी होना है उन्हीं के जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इंक्वायरी कर रहे हैं। ये तो बड़ा एक, मैं समझता हूँ, मजाक है निज़ाम साहब के साथ। जब वो चेयरमैन साहब गए हैं कराची, तो एयरफोर्स के प्यारे पर वो गए हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि मेरा जो बुनियादी इदारा है, मेरा ताल्लुक जो है वो, मैं सर्विंग आदमी हूँ और मेरा सारा मामला पाकिस्तान के साहसदारों के साथ है, वो मेरे पुष्ट नहीं करते हैं, मैं उनके साथ चलता हूँ। देखें, एयरफोर्स का जहाज है वो, उस वीडियो जहाँ से उन्होंने अपना वो बयान जारी किया जाने से पहले, तो मैं जा रहा हूँ और मौके का जायजा लूंगा और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे हिदायत की है। तो उसी दिन ये समझ आना शुरू हो गया था कि वो अपने आप को अपने असल इदारे के साथ एसोसिएट करके कह रहे हैं कि भाई मैं तो कम से कम इस हवाले से किसी भी जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, और ना ही कोई मुझ पर डाल सकेगा। पाकिस्तान में जो होता है कि ताकतवर लोग हर तरह के एहतसाब से आजाद होते हैं, तो इनके मतलब तो ये चीज बहुत पहले ही सामने आ गई थी कि ये तो मुकम्मल तौर पर आजाद होंगे। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा, ये इन्होंने चूंकि फैसला पहले भी नहीं कर लिया था, सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने बजाय तौर पर हवाला दिया, पालतिया वालों की जो रेजर्वेशन थी या पायलट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की, वो भी आपने देखी, वो भी सामने आ गई। आजाद मीडिया इस पर जो लिखता रहा वो भी सामने आ गया। जो जहाज में शहीद होने वालों के गुस्सा है, नवाजीन है, उन्होंने जो बातें की वो भी आपके सामने आ गई। अच्छा, उसकी सीसीटीवी तक इन्होंने अभी तक जारी नहीं की कि वो जब एयरपोर्ट के रनवे से जहाज टकराया, उसके इंजन दबा हुआ और वो क्या हुआ। फिर उन्होंने कभी कहा जी वॉइस रिकॉर्डर गायब हो गया, बाद में उनका मिल गया है। तो इंतहाई जुटाई के साथ, मतलब ये कहना पड़ेगा कि इंतहाई जुटाई के साथ, इंतहाई बेशर्मी के साथ इन्होंने ये सारा अमल मुकम्मल किया और सबकी आंखों के सामने किया। और अफसोस कि पूरे मुल्क में कोई इदारा सवाए इंडिपेंडेंट मीडिया के एक हिस्से के इनसे पूछने वाला नहीं है, और ये सारे मामले को गोल करने की तरफ जा रहे हैं तेजी के साथ। बहरहाल, तफसीली रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, और जो फ्रांस की टीम आई थी उनकी तहकीकात क्या सामने आती हैं, यकीनन इसका भी इंतजार होगा। बहुत शुक्रिया नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और खबर है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टर कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। डॉक्टर नईम मक्का मुकरमा के मकामी अस्पताल में जेरे इलाज थे। सर्जन डॉक्टर नईम अरसा दराज से सऊदी अरब में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर नईम का ताल्लुक रावलपिंडी से था। डॉक्टर नईम की अहलिया और 3 बेटियों का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टर कोरोना वायरस के बायस जान की बाजी हार गए हैं। डॉक्टर नईम मक्का मुकर्रमा के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। डॉक्टर नईम अरसा दराज से सऊदी अरब में खदमात सर अंजाम दे रहे थे, और उनका ताल्लुक रावलपिंडी से था, जबकि डॉक्टर नईम की अहलिया और 3 बेटियों का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। अदाकारा बुशरा अंसारी कहती हैं कि उन्हें वापस पाकिस्तान आने से डर लग रहा है। टोरंटो से अपने वीडियो पैगाम में बुशरा अंसारी का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है, मगर वो पाकिस्तानियों की ही वजह से वापस नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तानी कोरोना को वहम और मजाक समझ रहे हैं और खुलेआम बाजारों में घूम रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि अवाम घरों में रहें और कोरोना के फैलाव को रोकें। और मैं वापस इसलिए नहीं आ सक रही क्योंकि आप लोग बाजारों में फिर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे। आप सब ने इसको एक वहम और एक मजाक समझा, उसकी वजह से देखिए कितना स्प्रेड बढ़ गया, और अब हम अटक गए यहाँ पे कि हम कैसे जाएं, डर रहे हैं, सोच रहे हैं कब जाएं, सब कह रहे मत जाओ। आपकी वजह से मैं वापस नहीं आ पा रही। प्लीज़ इसको बचाएँ, इसको स्प्रेड को रोकें, घर में रहें, एहतियात करें।
अमरीका में पुलिस के हाथों स्याफाम शख्स की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत 40 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुलिस अहलकारों ने मुजाहरीन के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया। ट्रंप ने हालात काबू करने के लिए फौज तैनात करने का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने की मामूल की सरगर्मियां मनसूख कर दी गई हैं। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाना और कौंसलखाने मामूल की सर्विसेज के लिए आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। अमरीकी सफारतखाने में मामूल की वीज़ा सर्विसेज भी बंद रहेंगी। कोरोना वायरस के पेश नज़र ये इकदाम उठाया गया है। पाकिस्तान में अमरीकी सफारतखाने की मामूल की सरगर्मियाँ मनसूख कर दी गई हैं। अमरीकी सफारतखाने का कहना है कि पाकिस्तान में कौंसलखाने और अमरीकी सफारतखाने मामूल की सर्विसेज के लिए आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। अमरीकी सफारतखाने में मामूल की वीज़ा सर्विसेज भी बंद रहेंगी और कोरोना वायरस के पेश नज़र ये तमाम तर इकदाम उठाए गए हैं। अमरीकी सफारतखाना और कौंसलखाना कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद कर दिया गया है। तमाम मामूल की सरगर्मियाँ मनसूख कर दी गई हैं, जबकि वीज़ा सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। भारत ने तासुब की एक और मिसाल कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारती अहलकारों के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन के ड्राइवर को भी भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए 31 मई को भारत ने दो पाकिस्तानी सफारती अहलकारों को जासूसी का इल्जाम आयद करके उनको भारत छोड़ने का हुक्म दिया था और जो 1 जून को रात 10 बजे पाकिस्तान पर रस्ता वाघा बॉर्डर पहुंचे थे। और अब भारत ने एक और पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में जो ड्राइवर हैं पाकिस्तानी, उनको नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया और उनको भी भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी ड्राइवर जो तैनात थे वहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली में, वो आज शाम बुध को बरस्ता वाघा बॉर्डर जो है पाकिस्तान पहुंचेगा। और भारत ने 3 इस तरह जो है इन दिनों पाकिस्तानी सफारती अहलकारों को वहां से वापस भेजा है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से इस भारतीय इकदाम की मजम्मत की गई थी और ये कहा गया था कि भारत का ये तयशुदा प्रोपेगेंडा है जो भारत कर रहा है और पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्जाम आयद कर रहा है। जी ठीक है, ज़ीशान भट्टी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना वायरस की वबा के मनफी असरात से पीसीबी भी ना बच सका। अखराजात में कमी के लिए मुलाजमीन को फारिग करना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर 5 मुलाजमीन को मुलाजमत से सुबकदोशी के परवाने थमा दिए गए। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन की फहरिस्तें बनना शुरू हो गई हैं और तकरीबन 100 से 150 मुलाजमीन को मरहलावार फारिग किया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा के मनफी असरात हैं जिससे पीसीबी भी ना बच सका है। अखराजात में कमी के लिए मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करना शुरू कर दिया गया है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। बहरा अरब में मुमकिन समुद्री तूफान का खतरा मंडलाने लगा है। तूफान कराची से 1150 किलोमीटर फासले पर है। कराची शहर में समुद्री हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर है। मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। बहरे अरब में मुमकिन समुद्री तूफान का खतरा मंडलाने लगा। महकमे मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफान के मुतालिक दूसरी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बहरे अरब के जनूब मशरक में हवा का कम दबाव डीप डिप्रेशन से आज रात तक समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि समुद्री तूफान का रुख भारतीय शहर मुंबई और गुजरात के जाएगा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं, पाकिस्तान के किसी साहिली एरिया को कोई खतरा नहीं है इस साइक्लोन से, और ना ही हमने फिशरमैन को वो उस तरह की हिदायत दी है। अलबत्त फिशरमैन को मोहतात रहने की कहा गया है कि वो डीप सी में जब जाएं तो मोहतात रहें, क्योंकि वहाँ विंड्स तेज चलेगी और सी की रफनेस में इजाफा हो जाएगा। समंदरी तूफान कराची के साहिल से 1150 किलोमीटर दूर है। कराची में समंदरी हवाओं की रफ्तार में तेजी महसूस की जा रही है, मतलब ही जज्वी तौर पर अपर आलूद है। मानिया शकील, 24 न्यूज, कराची। वफाकी हुकूमत की जानिब से वादे पूरे न करने पर इंसाफ लेबर यूनियन और स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में इंसाफ हाउस कराची में धरना दे दिया। रोजगार ना छीनो, वादा वफा करो। पाकिस्तान स्टील मिल्स के मजदूरों ने इंसाफ हाउस कराची के सामने धरना दे दिया। इंसाफ लेबर यूनियन के रहनुमाओं ने मजदूरों की जबरी बर्तरफी को जालिमाना इकदाम करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सैकड़ों मजदूरों को नौकरी से निकालने का फैसला वापस लिया जाए, लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन मुसलसल नारेबाजी करते रहे। चेयरमैन CBA यासीन जामड़ो ने मुतालबात तस्लीम न करने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी भी दे दी। हमारी बात ना मानी गई तो पूरी स्टील मिल को यहाँ बुलाएंगे।
खान साहब आपसे मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि मैं आपका फर्ज हूँ, मैंने आपको 2016 में स्टील मिल का तारीखी जलसा कराया था, यासीन जामड़ो आज क्यों भूल गए हो। मुजाहिरीन ने वजीर आजम इमरान खान से रोजगार के तहफ्फुज और घरों से बेदखल करने से रोकने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमर अब्बास के अमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज कराची। रावलपिंडी से खबर है जहां पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त रोक दी है। शहर भर में पेट्रोल नायाब हो गया जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। पेट्रोल सस्ता तो हो गया है मगर साथ ही साथ नायाब भी हो चुका है। रावलपिंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त रोक दी है। शहर भर में पेट्रोल नायाब हो गया है जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं रावलपिंडी से जहां पर पेट्रोल नायाब हो गया है। वफाकी काबीना ने 1985 से तमाम शुगर मिल्स के ऑडिट का फैसला कर लिया। केसेस नैब और एफआईए को भेजे जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का महंगाई पर असर ना पड़ने पर वजीर आजम ने इजहार नाराजगी किया। काबीना इजलास में मियां नवाज शरीफ की हालिया तस्वीर का जिक्र भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें तमाम शुगर मिल्स के ऑडिट का फैसला कर लिया गया। 1985 से अब तक तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट किया जाएगा। बदउनवानी के केसेस नैब और एफआईए को भेजे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकीन ने इजलास में गंदम स्कैंडल की रिपोर्ट का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का मुतालबा किया। फवाद चौधरी, फैसल वाडा और मुराद सैद ने गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारान को सामने लाने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने एहतसाब के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का महंगाई पर असर ना पड़ने पर वज़ीर आज़म ने इजहार नाराजगी किया और मशीर हजाना अब्दुल हफीज की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुंचाया जाए। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की लंदन में मंजरे आम पर आने वाली हालिया तस्वीर का भी तस्करा हुआ। काबीना अरकान ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क का बेड़ा गर्क करके बाहर सैर व तफरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तस्वीर पर तबसरा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। काबीना इजलास मौशी टीम की जानिब से बजट से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। काबीना ने कौमी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना ने शेयर तरक्याती बैंक को इस्लामाबाद में दफ्तर तामीर करने की इजाजत दे दी। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के डायरेक्टर जनरल की डेपुटेशन पर तकर्री की मंजूरी भी दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन की मुलाजमत को लाजमी सर्विसेज का हिस्सा करार देने की भी मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुल्क में मोबाइल फोन की तैयारी और असेंबलिंग पर मरात मिलेंगी। काबीना इजलास में कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। पीआईए तैयारा हादसा तहकीकत और मैयतों की शिनाख्त के अमल पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई। टिड्डी दल हमले पर एनडीएमए और वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम ने मुश्तरक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान एसी बंद करा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि किफायत शारी को अपनाया जाए और गैर जरूरी खर्चात खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में हुकूमती वकील से 4 सवालात पर जवाब तलब कर दिए। अदालत ने फरोख नसीम से इस्तफसार किया कि इल्ज़ाम है कि मवाद गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुआ। जजेस के सवालात पर फरोख नसीम परेशान भी हो गए। तफसीलात के लिए अमानत गश्कोरी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने दलाइल दिए कि लंदन की 3 जायदादें मुअज्जज जज के बच्चों और अहलिया के नाम पर हैं। असल सवाल है कि जायदादें किन जराए से खरीदी गईं और मनी ट्रेल क्या है। फरोग नसीम बोले कि बादियों नजर में रेफरेंस दायर होता है तो जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई करती है। आम शहरी की शिकायत आए तो काउंसिल इंक्वायरी कर सकती है। सदर के रेफरेंस में इल्जाम की इंक्वायरी की जरूरत नहीं। काउंसिल सदर की तरफ से दी गई मालूमात पर कार्रवाई करती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फरोग नसीम साहब, आपकी दलील से मैं इत्तफाक नहीं करता। बजाहिर लगता है आप शोकाज नोटिस पर केस करना चाहते हैं। फरोग नसीम का कहना था कि शोकाज से पहले रेफरेंस की तैयारी का जुडिशियल जायजा हो सकता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सबसे पहले रेफरेंस की तैयारी पर दलाइल दें। बैरिस्टर फरोग नसीम बोले कि उन्हें नुक्ता इख्तिताम पर वफाक की नुमाइंदगी का कहा गया। अदालत ने कहा कि आपको तैयारी के लिए मजीद 12 घंटे का वक्त दे रहे हैं। मुनीर मलिक ने एतराज उठाया कि वही डोगर की शिकायत की कापी उन्हें फराहम नहीं की गई। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बिजली सार्फीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। समाही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली महंगी होगी या नहीं, नेपरा आज बिजली कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत करेगी।
नेपरा को दी गई बिजली कंपनीज की दरख्वास्त में अक्टूबर से दिसंबर 2019 के लिए 73 अरब रुपए वसूल की इजाजत तलब की गई है, जबकि जनवरी से मार्च 2020 के लिए 89 अरब रुपए वसूली की दरख्वास्त भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली सारफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और तीर कमान से निकल गया, आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होने लगा। हसन अली की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से कीमत में इजाफे के बाद शहर में आटे का 20 किलो का थैला 925 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई की चक्की